लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन में कुछ शर्तों के साथ 20 अप्रैल से मीट और मछली की दुकानों को खोलने की अनुमति देने की बात कही गई है, जिसको लेकर महेवा मंडी स्थित गोरखपुर मत्स्य व्यापार कल्याण संस्थान के अध्यक्ष गजेंद्र साहनी ने गुरुवार को जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन से मुलाकात कर मछली की बिक्री के लिए करीब 200 पास जारी करने का एक पत्र सौंपा था, जिस पर जिलाधिकारी ने इतने अधिक पास जारी करने से इनकार कर दिया तथा मछली की डिलीवरी कराने के लिए SDM सदर को निर्देशित किया था। जिलाधिकारी ने कहा कि मछली बेचने के लिए डोर टू डोर व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं आएगा, इसी शर्त पर मछली की बिक्री की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर मत्स्य व्यापार कल्याण संस्थान अध्यक्ष गजेंद्र साहनी ने कहा, ज्यादा से ज्यादा सब फसल हो गया 10-5% है, जो जो नया मछली जो आगे क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज होता है तो एकदम एकदम सर, इसलिए सर हम आपके ईमेल पर भी एप्लीकेशन डाले हैं सर, और यहाँ भी रहे, ये ऑनलाइन किसी से लगवा दें आपका कैसे डिलीवरी करेंगे? हमारे पास गाड़ी का पास चाहिए सर, कहीं से बताए कहाँ करेंगे इसीलिए इसमें 200 आदमी का हम लोग जो है वो मांग रहे हैं, 200 आदमी मान लीजिए एक आदमी का नहीं होता, 10 आदमी का है हम लोग, तो अगर मान लीजिए हम लोग थोड़ा थोड़ा लेंगे तब तो बाहर मार्केट से बाहर ले जाएगा, वो साइकिल से ले जाएगा, साइकिल से ले जाएगा सर, अच्छा साइकिल या साइकिल से ले जाएगा सर जी, और बाकी जो है जिसे दूर है एरिया तो हम यहाँ से तरीके से उसको दे देंगे। देखो 20 के बाद ही हम अलाउ कर पाएंगे, 20 तक का तुम स्ट्रेटेजी बना करके एसडीएम साहब से, 20 के बाद ही सर जो है 20 के बाद ही होगा, बट यार 200-300 ऐसे इसी भारी मात्रा में नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि पहले ही एग्जिस्टिंग जो सप्लायर है उसी के साथ प्रयोग करो, जनता बाहर नहीं आएंगे, बार बार कह रहा हूँ ऐसे बताओ, जैसे मुझे दुकान है वहाँ दे दो, वहाँ से जो एग्जिस्टिंग सप्लाई चीज है ना ऑर्डर हम आपका लेवा देंगे, उसकी का उठा लेंगे, उठा के दे देंगे। गजेंद्र साहनी, भारत सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है कि मछली की दुकान कुछ शर्तों के साथ खुलेंगी, इसी संदर्भ में हम माननीय DM गोरखपुर साहब को जो है एक एप्लीकेशन दिए हैं, जिसमें हम उनसे अपेक्षा किए हैं कि वो मंडी के लिए एक गाइडलाइन जारी करें, जिससे हम लोग 20 तारीख से सुचारू रूप से बिजनेस कर सकें। सर कुछ पास भी नियम साहब के एप्लीकेशन में आप लिख रहे, कितना पास मांगे आपके द्वारा? जी हम लोगों ने तो जो है मतलब कि उनसे जो है 8.5 हज़ार का पास, जो भी थोक के व्यापारी हैं उनका, और पिकअप जो है जो छोटी गाड़ियां हैं जिससे माल हम लोगों को बाहर भेजना पड़ेगा, वो लगभग 50 गाड़ी हम लोगों का डिमांड था, लेकिन DM साहब बोले कि नहीं इतनी गाड़ी नहीं होगी, तो हम लोग कहे कि जो सुविधाजनक हो उसके हिसाब से जो है पास, और लेबर यहाँ जो काम करता है उसका कम से कम 100 लेबर है हमारे पास जो अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ है उपलब्ध है, हालांकि कहीं वो जाता आता नहीं है, फिर भी जो है मान लीजिए कि काम करने के लिए पास की ज़रूरत होती है, और हम लोग चाह रहे थे जो डोर टू डोर डिलीवरी करें उसके लिए जो है मतलब कि पास जारी हो, जैसे सब्जी मंडी वगैरह में हुआ है लोग लेकर जा रहे हैं डोर टू डोर डिलीवरी कर रहे हैं, इससे हम लोग जो है चाहते हैं कि हम लोगों के यहाँ भी कुछ ऐसा पास इशू हो जिससे जो है डोर टू डोर डिलीवरी हो सके। जो सर क्या आश्वासन मिला DM साहब से आपको? DM साहब का कहना था कि आप जो है मतलब कि इतना ज़्यादा संख्या में हम पास आपको उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, और क्या नाम है आपको सप्लाई चेन जो है आप खुद व्यवस्था करो, मंडी में हम किसी को आने नहीं देंगे जो है आम आदमी को, और आपको डोर टू डोर डिलीवरी करना पड़ेगा, अगर इस पर तैयार हो तो हम फिर परमिशन देंगे। कितना पास तभी आपके द्वारा मांगा गया? हमने मांगा था आपको जो है जो आड़दार है हमारे करीब 40 से 50 के आसपास थोक व्यापारी, और 100 लेबर का, और 50 वो छोटी गाड़ियों का जिससे हम माल को सप्लाई कर सकें, और 200 फुटकर विक्रेता का पास हमने मांगा था।